और आपका हमारे चैनल में स्वागत है। देखिए, बात करते हैं आज आपकी यूपी कांस्टेबल, जो आपके यूपी कांस्टेबल की है, यूपी एसआई जो सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी और यूपी लेखपाल की वैकेंसी है। तो इन तीनों वैकेंसी के हम बारे में बात करने वाले हैं कि ये आपकी वैकेंसीज कब आने वाली है। काफी टाइम से कोई वीडियो अपलोड नहीं करी इसके बारे में, और आपको पता है कि क्या वजह है, कोरोना वायरस। सबसे पहले तो इन तीनों वैकेंसीज के बारे में क्लैरिफिकेशन दे दूं। तो देखो भाई, वैकेंसी मैं बिल्कुल साफ बताने वाला हूँ आज। देखो, कुछ चैनल्स हैं, अब एक चैनल तो ऐसा है जिसने एसआई का पहले भी कोर्स लॉन्च किया था और अब भी दोबारा कोर्स लॉन्च कर दिया। तो जो कोर्स लॉन्च कर रहे हैं, जिनके कोर्स चलने वाले हैं आगे, वो तो कहेंगे कि आपकी यूपीएसआई की वैकेंसी 100 के 100% आएगी, यूपी कांस्टेबल की वैकेंसी भी 100 के 100% आएगी और लेखपाल भी 100% आएगी उनके अनुसार। पर जो फैक्ट्स है, आपको फैक्ट्स पर देखना चाहिए। बात यह है कि कोरोना वायरस की वजह से आपको पता है कर्फ्यू लग चुका है आपका 15 अप्रैल तक। भारत के सचिव ने तो ये कह दिया है कि ये कर्फ्यू हट सकता है, हम आगे नहीं बढ़ाएंगे, इसमें कोई विचार नहीं है अभी तक। पर ये कर्फ्यू मान के चलो ना भी बढ़े तो क्या, पब्लिक को तब भी इकट्ठा नहीं करने देंगे। बात ये है, जब तक आपकी इसकी वैकेंसी तैयार होकर अपने देश में नहीं आती, जब तक नॉर्मल स्टोर्स पर ये वैक्सीन नहीं मिलती, तब तक आपकी कोई भी बड़ा प्रोग्राम नहीं कराया जाएगा, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो कोई धार्मिक प्रोग्राम हो, चाहे कोई एग्जाम हो आपका। क्योंकि एग्जाम में 10-12 लाख बच्चा इधर से उधर जाएगा, माइग्रेट करेगा। मान के चलो मैं मेरठ से हूँ, मेरा एग्जाम आगरा में हो रहा है, मेरे कोरोना वायरस है और मैं उसको लेके आगरा चला जाऊं और आगरा में फैला दूं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, गवर्नमेंट नहीं चाहती। और ये जो वैकेंसी है, ये इसी वजह से रुकी है। अगर बात करें इन वैकेंसीज के बारे में, तो इसकी 2020 में आने के बहुत ही कम चांसेस हैं इन तीनों वैकेंसी के, जो आपकी ये हैं। वैकेंसी के काफी रेयर चांस है, क्योंकि आपको पता है जो यूएसए में इसकी स्टडी चल रही है कोरोना वैक्सीन की, उन्होंने भी ये कहा है कि अगर सब कुछ फास्ट ट्रैक पर चलता रहा तो 1 साल लगेगा कम से कम आपका जो वैक्सीन है उसकी जो आपका कोरोना वायरस की है उसकी वैक्सीन बनाने में 1 साल लगेगा। तो 1 साल भी नहीं, 6 महीने भी मानो, वो कब बनेगी, किस देश में बनेगी? अगर अमेरिका में बनेगी तो अमेरिका पहले अपने देश में बांटेगा, अपने देश के लोगों को देगा, फिर वो बाहर सप्लाई करेगा, और काफी टाइम लगेगा उसमें। जब तक ये महामारी नहीं नॉर्मल होती, तब तक मान के चलो आपके देश में बिल्कुल केस आने बंद हो गए, कोरोना का कोई भी केस नहीं आया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुरंत के तुरंत सरकार एसआई के फॉर्म निकालेगी, कांस्टेबल के फॉर्म निकालेगी, लेखपाल के फॉर्म निकालेगी और आपका एग्जाम करा देगी। जब तक ये जो महामारी है, ये बिल्कुल बीमारी ऐसी ना हो जैसी जैसे आपकी कोई भी नॉर्मल भी जैसे सिर का दर्द होता है, उसकी दवाई खा लो, उसकी दवाई आती है, ऐसी जब तक ये कोरोना वायरस नहीं बनता है, तब तक आपका कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है आपके एग्जाम की। चाहे आपका एसआई का एग्जाम हो, चाहे आपका कांस्टेबल का एग्जाम हो, चाहे आपका लेखपाल का एग्जाम हो। अब देखो, बात यह है, कहने का मेरा मतलब क्या है, घर में रहो, पढ़ना है पढ़ो, 1-2 घंटे जो पढ़ना है पढ़ो, वरना रहने तो अपना पबजी खेलो, कुछ भी करो, पर घर से बाहर मत निकलो। हम भी अपने चैनल पे इस वजह से ही वीडियो नहीं डाल लेते, हम भी अपने चैनल पे कोई दूसरा एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ठीक है ना, आप देख भी रहे होंगे 1-2 दिन से। पर बात बस यही है, आपकी कोई वैकेंसी नहीं आनी, दिसंबर से पहले मुझे नहीं लगता कोई वैकेंसी आ जाएगी। अगर दिसंबर तक कोई चांस बनता है या फिर दिसंबर से पहले कोई चांस बनता है, तो हम आपको बिल्कुल बेफिक्र रहो इस बात से, हम आपको बिल्कुल बता देंगे। यूपी कांस्टेबल की तो वैसे भी आने वाली नहीं थी, मुश्किल लग रहा था उसका, क्योंकि उसकी 49,000 भी वैकेंसी हो चुकी थी और 41,000 भी हो चुकी थी। इसके बाद जो आनी थी वैकेंसी कांस्टेबल की, उसका बहुत रेयर चांस था, ऊपर से कोरोना वायरस हो गया, तो इसका तो बहुत कम चांस है। बात है एसआई की और लेखपाल की, ये वैकेंसी काफी टाइम से नहीं आई, तो ये भी दिसंबर तक किसने की उम्मीद है, 2021 की स्टार्टिंग में या दिसंबर में अगर ये वैकेंसी आ गई तो बहुत बड़ी बात है। पर ये भी देखने वाली बात होगी आगे क्या सिचुएशन बनती है, क्या देश संभल पाता है इस कोरोना वायरस से या नहीं। तो देश के साथ रहे, अपने घर में रहे भैया, बाहर मत निकलो बिल्कुल भी, सरकार का साथ दो, जो सरकार कह रही है उसकी गाइडलाइंस उसको फॉलो करो। 5-6 महीने की बात है, जिंदगी के 5-6 महीने अगर इधर उधर भी कट जाएंगे कोई बड़ी बात नहीं है, बस बचे रहो, अपने परिवार को बचाओ, अपने देश को बचाओ, और जैसे भी कुछ होगा हम आपको अपडेट कर देंगे चैनल के थ्रू। पर अभी तक कोई अपडेट नहीं है, ना ही आपका कोई एग्जाम होने वाला है। सो अफवाहों में मत आओ कि आपका एग्जाम होगा होगा, आपका कहीं एग्जाम कहीं से कहीं तक कोई भी उम्मीद नहीं है। रखता हूँ दोस्तों, बस इतना कहूंगा अब, क्योंकि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करता हूँ, यूपी को कहते हैं कि सर यूपी कांस्टेबल का बताओ, यूपी एसआई का बताओ, यूपी लेखपाल का बताओ, और आपका पूछना भी जायज है भाई, आपको भी काफी टाइम हो गया और आप भी बहुत उम्मीद के साथ अगर आप मुझसे पूछते हो, तो मैं
ये मानता हूं कि आप मुझसे बहुत उम्मीद लगाए हुए हो कि भाई यहाँ पे न्यूज आपको सही मिलेगी, पर देखिए मैं आपको झूठा दिलासा नहीं देना चाहता, वैकेंसी की अभी कोई संभावना नहीं है। जैसे भी कोई स्थिति बनती है हम आपको जरूर बताएंगे, पर अभी तक जो है अभी तक कोई भी स्थिति नहीं है। ठीक है, चलो जैसा भी है, अब मैं भी चैनल पर दूसरा एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, तो वीडियो आप देख ही रहे होंगे, न्यूज वगैरह की डालता रहता हूँ आजकल एक दो, तो वो एक्सपेरिमेंट चल रहा है। ठीक है ना, वो अलग बात है, वो तो पार्ट ऑफ द गेम है। आपका जब भी कोई अपडेट आएगी आपकी, आप टेंशन मत लेना, आपकी वीडियो 100% चैनल पर जरूर आएगी। ठीक है, तो जैसे भी कोई अपडेट आएगी हम आपको बताएंगे। चैनल कर दो सब्सक्राइब अगर आप चैनल पर नए हो तो, और वीडियो कर दो लाइक और शेयर। और भाई फिर से कह रहा हूँ, अभी कोई उम्मीद नहीं, बस अपने घर में रहो, पबजी खेलो, जो करना है करो, घर से बाहर मत निकलो, अपने परिवार के साथ रहो, खुद भी सुरक्षित रहो, अपने परिवार को भी सुरक्षित रखो और अपने देश को भी सुरक्षित रखो। जय हिंद, जय भारत।